बाथरूम में आग में साबुन चले जाने पर जब आपको अपनी आंखों को मजबूरी में कुछ देर के लिए बंद करना पड़ता है तो सब कुछ कैसा लगता है? आपको सब कुछ सुनाई देता है लेकिन फिर भी आप कुछ देख नहीं पाते। पानी डालकर आप न सिर्फ उस आंख में लगने वाली मिर्ची से छुटकारा पाना चाहते हैं बल्कि दुनिया को दोबारा देखने की चिंता भी आपको सताने लगती है कि कहीं इस बीच आपके आसपास कुछ गलत ना हो जाए जिसे आप देख नहीं पाए। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते होंगे जो कभी देख ही नहीं पाते? जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी खुद को दुनिया में बदनसीब मानते हैं तो शायद इन लोगों के बारे में जानकर आप भी आज अपनी सोच को बदलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। भारत के एक गांव में रहने वाली एक बहुत ही गरीब परिवार की दो बहनों की कहानी आपके दिल को भी पिघला सकती है। ये दोनों बहनें अंधी हैं और सर्जरी करने के बाद पहली बार जब इस दुनिया को देखती हैं तो इनकी खुशी का अंदाजा आप इनके चेहरे को देखकर लगा सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही 2 करोड़ बच्चे या दूसरे ऐसे लोग रहते हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं लेकिन उनकी आंखों की सर्जरी होने के लायक है। मतलब कि केवल छोटी सी सर्जरी उन अंधे लोगों की आंखों में हमेशा के लिए उजाला ला सकती है। इस सर्जरी का खर्चा केवल 20,000 रुपए के आसपास ही होता है लेकिन वे इतने गरीब होते हैं कि इस खर्चे को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। ऐसे में कुछ लोग और डॉक्टर्स होते हैं जो उनकी मदद करते हैं, जो इनके लिए ये सर्जरी फ्री में करते हैं लेकिन इनमें से ज्यादातर बच्चे इलाज नहीं पा पाते हैं और इनके घर वाले इन्हें भीख मांगने के काम में लेते हैं। सड़कों पर आप ऐसे ही कितने लोगों को अपनी आंखों से ऐसा काम करते देखते होंगे लेकिन उनके पीछे की सच्चाई शायद ही आप ठीक से जानते हो। दुनिया में कुछ ऐसी संस्थाएं अभी भी ऐसी हैं जो इनके लिए काम करती हैं और इनकी मदद करती हैं। इन्हीं में से एक ने इनकी मदद की और मात्र एक छोटी सी सर्जरी ने इनकी पूरी दुनिया ही बदल डाली और इनकी जिंदगी में नया उजाला ले आया। अगर किसी इंसान के हाथ में गोली लग जाए तो वह कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? आपका जवाब होगा कि भला हाथ में गोली लगने से कोई मरता थोड़ी है। अगर मैं कहूँ कि टांग में गोली लग जाए तो यहाँ भी आपका जवाब सेम ही हो सकता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस वार से भी दर्द के कारण मर जाते हैं लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर किसी इंसान के सिर में गोली लगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका जवाब होगा कि वह इंसान 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन हम मिलिए इस हाथी से जिसके सिर में गोली लगी और न सिर्फ इस खतरनाक वार के बाद यह जिंदा रह पाया बल्कि गोली लगने के बाद इसने वहां आए पर्यटकों से भी मदद की गुहार कुछ इस तरह लगाई। खुशकिस्मती से वो लोग इसकी इस परेशानी को समझ पाए और फिर कुछ फॉरेस्ट मेडिकल ऑफिसर्स ने इसकी मदद समय पर की और इसकी जान बचा पाए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।